हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। बिना गले ही ये सहजन की फलियां बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और जैसे ही मुंह में डालेंगे ना, एक एक उसमें से जितना भी स्वाद है उसका गुदा है मुंह में आ जाएगा और फली अलग हो जाएगी और गली भी नहीं है, देख लीजिए आप। और देखिए फ्रेंड्स, ये ताज़ी मैंने सहजन की फली ले ली है। सहजन की इस फली को यहाँ पे महाराष्ट्र थाना भिमंडी में सेंगा बोला जाता है और ये यहाँ पे बहुत मतलब बारहों मास बिकती है, कड़क हो या नरम हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से सहजन की फली को बनाएंगे ना तो आपकी ये सहजन की फली पूरी अच्छे से गल भी जाएगी और कुकर में भी बनाए चाहे कैसे भी बनाए, ये स्टिक मतलब पिघलेगी नहीं, सिर्फ गलेगी अंदर से। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से पूरी फली को काट ली हूँ अपने हिसाब से। देखिए आप देख रहे हैं, तो ये काट लिया मैंने और इस तरीके से मैं छील रही हूँ। और मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स में डाल रही हूँ, मसाले डाल रही हूँ, वो मसाला हमारे घर में एनी टाइम रहता है, वो चीज़ हमारे घर में हमेशा रहती है। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है, सिर्फ ये सहजन की फली हमको मार्केट से लाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नाखून की मदद से या चाकू की मदद से आप भी इसका छिलका निकाल सकते हैं। अंदर से इस तरह से एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा और ऊपर की जो हरी हरी सूखी सूखी उसकी छिलके हैं ना, वो आसानी से निकल जा रही हैं, देख लीजिए। तो ये ताज़ा फली है लेकिन मैं इसको कुकर में बनाऊंगी और कुकर में ये बिल्कुल फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, बिल्कुल गल के अलग नहीं होगी। तो मैंने सभी फलियों को छील लिया है फ्रेंड्स और ये देखिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा गैस के ऊपर और जितनी फलियां मैंने साफ की थी वो सारे फलियों को इन पानी में मैंने डाल दिया बिना नमक के। हाँ, नमक नहीं डाला है इसके अंदर, आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा क्योंकि नमक डालेंगे तो वैसे भी गल जाएगा। और इसको ढक देना है कम से कम 5 से 7 मिनट इसको ढक के। देखिए ये मैंने मीडियम गैस पर रखा है और ये देखिए इसका पूरा पानी के साथ में गल चुका है, पानी भी हरा हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इस तरह से बनाइए, अगर आपको सूप पीना हो तो थोड़ा ज़्यादा पका दीजिए, इसका सूप भी रेडी हो जाएगा। और मैं ये फली निकाल रही हूँ, ये पानी है ना फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, जो भी पानी इसके अंदर डाला हुआ है, ये जो मैंने सेंगे की फलियाँ उबाली थी इनको पानी को फेंकना नहीं, अलग से रख देना है फ्रेंड्स, फिर हमको यूज़ में आएगा। और फिर मैं यहाँ पर कुकर रख रही हूँ, कुकर में तेल डालेंगे हम और ये लहसुन मिर्ची अदरक धनी धनिया एक साथ मैंने पीस लिया है और 2 छोटी चम्मच मैंने तेल डाला, 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे, 1 प्याज को मैंने काट लिया था और 2 मैंने हरे प्याज को काटा था। फ्रेंड्स आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे ना ये सब्जी, सच में बताती हूँ, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। और हरे प्याज की सब्जी तो और भी आपको आप जानते हो कितना अच्छा होता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी ग्रेवी के लिए ये 1 प्याज लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं और थोड़ी सी आलू और मटर डाल दिया है। फ्रेंड्स मैं ये 5 लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, ये सारे चीज़ आलू टमाटर प्याज आपके घर में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास हरी मटर है डाली है तो स्किप कीजिए, ऐसे भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भूनने के बाद ये जो सहजन की फली थी सेंगा था इसको डाल दिया और इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा देर पे चलाते हुए भून लेंगे, इससे ना स्वाद और बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और गरम मसाला डाला है 1 छोटा चम्मच, हल्दी डाल दी है 1 छोटा चम्मच, धनिया जीरा पाउडर डाला है 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाली है 1 चम्मच। अब इसको हम मैश कर लेंगे, मिला लेंगे। आप इस तरीके से भूनते हुए सब्जी बनाएंगे ना, मैं सच बताती हूँ, सब्जी का जो रस पकता है उसके साथ में ही मसाले भी पकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने लहसुन मिर्ची अदरक और हरी धनिया का जो पेस्ट पीसा था ना वो भी डाल दिया। तो देखिए इसको थोड़े टाइम के लिए ढक देंगे और ढक के फिर से चलाएँगे। देखिए ये पूरी अच्छे से भून गई है सब्जी और जो तेल थोड़ा सा था ना वही तेल चमक रहा है इसमें फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जो जो सहजन उबाला हुआ पानी था ना वही इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब कुकर को बंद कर दिया और
तीन सीटी लगा लिए। देखिए एकदम से हमारी बहुत ही ये मुंह में पानी लाने वाली सेंगे की सब्जी तैयार है, सहजन की, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप मेरे तरीके से जरूर बना के देखिए। देखिए तीन सीटी के बाद भी ये सहजन हमारी एकदम से गली नहीं है, और ये पक चुकी है लेकिन गली नहीं है फ्रेंड्स। खाने में बहुत मज़ेदार है, आप इसको चूस चूस के खा सकते हैं, सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी सब्जी तैयार है, मैंने थोड़ा सा हरी धनिया डाल के तैयार किया। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने सेंगे की सब्जी कब बना के खाई, अगर नहीं बना के खाई तो खाइए।